उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे आज। ओके, और जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है दैट इज़ मेंटल एबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके CUET के प्रिपरेशन में। ओके, मानसिक योग्यता, बिकॉज एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो एग्जामिनर है वो आपसे टेस्ट क्या करना चाह रहा है आपको ये समझना है पहले। ठीक है, जो भी पेपर सेट कर रहा है वो आपसे क्या चेक करना चाह रहा है आपके अंदर। सो मेंटल एबिलिटी के अंदर जो भी आपका पेपर सेट कर रहा है वो ये चेक करना चाह रहा है कि आप कितनी चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मेंटल एबिलिटी इज समथिंग की रीजनिंग इज समथिंग की इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने पैटर्न को, कितने ट्रिक को रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप एक पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस पैटर्न को रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वही आपसे चेक भी करना चाहता है आपकी रिटेंशन पावर को। तो आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि हर एक टॉपिक से, रीजनिंग के हर एक टॉपिक का एक मिक्स सेशन होने वाला है। हाँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। देखना है हमें कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ओके, बिना किसी डिले के। हाँ, एक और सजेशन है कि मेरे साथ साथ आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर साथ साथ करते चलोगे ना तो इसी सेशन में बहुत चीज़ें आपके क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, अगर साथ साथ आप बनाते चलोगे, सिर्फ अगर लेट के देखे जा रहे हो सेशन तो उतना आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, और लेट के नहीं पढ़ना है, उठ के बैठ जाना है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद आर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन योर ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप इन द सेम वे एज पेंटर इज रिलेटेड टू व्हाट। अगर हम लोग डॉक्टर का रिलेशन दिखा रहे हैं स्टेथोस्कोप के साथ, ठीक है, तो उसी मैनर में, उसी रिलेशन में पेंटर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा इन चारों में से। यू हैव फोर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, और आपको दिमाग लगाना इसी के जिस तरीके से ये रिलेटेड है उसी तरीके से पेंटर किसके साथ रिलेटेड होगा आपको ये बताना है। ठीक है, हाँ जी, क्या आ रहा है, दैट इज ब्रश। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं गया कि डॉक्टर जो है वो इलाज करता है, पेशेंट्स को चेक करता है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो पेंटर का भी हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो पेंटिंग करता है या फिर आर्ट उसका जॉब है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। यू विल से कि उसका, देखो डॉक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो डील करता है दैट इज स्टेथोस्कोप, तो पेंटर का फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ब्रश, जिससे कि वो अपना काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन, ये देखो कैटेगरी हो गई एक तरीके से, एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। हाँ, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हर एक क्वेश्चन में देखो आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेगा, हो सकता है कि कुछ सिमिलर हो, बट मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग टॉपिक हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि बुक इज टू ओपन एज डोर इज टू व्हाट। अगर बुक का रिलेशनशिप हम लोग ओपन से शो कर रहे हैं तो डोर का रिलेशनशिप फिर किसके साथ हो जाएगा, यू हैव टू टेल दैट। तो देखो यहाँ पे बुक का रिलेशनशिप हमने ये नहीं दिया है कि पेपर से है, ऐसा नहीं बोला हुआ है हमने, ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि ट्री से है, ठीक है, ऐसा भी नहीं बोला हुआ है कि वर्ड से है या फिर चैप्टर से है, देर इज नथिंग लाइक दैट। तो हम लोग डोर में भी ये नहीं बोलेंगे कि हाउस से रिलेशन है या फिर वुड से रिलेशन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। बुक का रिलेशनशिप अगर ओपन से है, खुलने से है, तो फिर डोर को हम लोग क्या करते हैं, वी शट द डोर। ठीक है, हम लोग डोर को शट करते हैं। सो डोर का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, शट के साथ, क्लोज के साथ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रांग है, यहाँ पे ये चेक हो रहा होता है। हाँ, कि आपकी जो शब्दावली है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पे क्या होगा कि हिंदी में भी क्वेश्चन, हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन होता है, तो आपको उसके लिए परेशान, लैंग्वेज के लिए परेशान नहीं होना है। तो डोर का रिलेशनशिप है क्लोज के साथ। ठीक है, आफ्टर देन देखो हम लोग कुछ सेकेंड के अंदर आंसर बना रहे हैं क्योंकि सिंपल सिंपल है। ठीक है, फिर उसी तरीके से सामने आ चुका है आपके सन का रिलेशनशिप लाइट के साथ है, तो टीचर का क्या है रोल। अगर सन हमें लाइट देता है तो टीचर हमें क्या देता है, यू हैव टू थिंक। सो टीचर गिव्स अस एजुकेशन। हाँ, सन से हमें लाइट मिलता है, टीचर से एजुकेशन मिलता है। टीचर हमें स्कूल, क्लासरूम या फिर बिल्डिंग या फिर ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता है, टीचर हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई थिंक इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो अलग टॉपिक के होंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि मेंटल एबिलिटी की जो मेरी क्लासेस है पर्टिकुलरली, वो अराउंड 10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप पे। ठीक है,
तो आप लोग वहां से जाके उसको बाई कर सकते हो, कोर्स में एनरोल हो सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। देखो वही चीज़ें हमें पढ़ना है जो कि सिलेबस में है हमारे। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ हम लोग बर्डन अपने ऊपर लेने वाले हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस हमें नहीं जाना, सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं बस उतना ही कवर करना है, ठीक है, और उसी को अच्छे से कवर करना है, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है हमें। और जितनी भी मेरी क्लासेस हैं दैट इज अराउंड 45 to 1 hour, इतने तक की क्लासेस हैं। अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो आप, जिसको भी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए एक सुनहरा मौका है। इस समय महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर अभी आप एनरोल होते हो कोर्सेज में तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेक्स्ट टॉपिक, अनदर टॉपिक दैट इज कोडिंग एंड डीकोडिंग। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, मैंने कोडिंग डीकोडिंग में भी पढ़ाया हुआ है कि अल्फाबेटिकल कोडिंग कैसे करते हैं या फिर अल्फाबेटिकल टू नंबर का कोडिंग कैसे हो जाता है। हाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो चुकी हैं, बट उसी से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज के सेशन में हमने रखा हुआ है एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को फिर समझिए। अगर MNOP का हम लोग कोडिंग करते हैं KLMNC, तो फिर CRAV का क्या करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से भी आई थिंक कि हर साल एक या फिर दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, या तुरंत बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर। देखिए जरा, एम का कोडिंग जो है वो के से किया गया है। अब इसमें क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज की पैटर्न नंबर्स की रैंकिंग को, लेटर्स की रैंकिंग को समझना, याद रखना। जैसे ए की रैंकिंग क्या है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, सिमिलरली बी सेकंड पे आता है, जेड 26 पे आता है। तो ये कैसे याद करना है, इसका ट्रिक क्या है, दैट इज ऑल्सो देयर इन माई क्लास विच हैज बीन अपलोडेड ऑन द ऐप, ठीक है। सारी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी हैं वहां पे। तो ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग, क्या चीज है, एम के बाद के कैसे आया है, ये देखो। अगर तो आप लोग का समझ में बहुत लोग को आ भी गया होगा कि एम एन ओ पी एंड देन देयर इज के एल एम एन। तो जिसको अगर रैंकिंग याद होगा वो बता देगा कि इसका 13 है और के की रैंकिंग 11 है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो -2 हो रहा है, रैंकिंग क्या हो रही है, 2 डिक्रीज हो जा रही है, नीचे आ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेटर्स की रैंकिंग डिक्रीज हो रही है। एन से एल पे जा रहे हैं, यानी कि 14 से किस पे जा रहे हैं हम लोग, 12 पे जा रहे हैं, एल की रैंकिंग 12 होती है। आफ्टर देन ओ से एम पे जा रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, 15 से 13 पे जा रहे हैं, -2 ही हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, पी से एन पे जा रहे हैं, पी की रैंकिंग जो है 16 है और एन की 14, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी पूरे के पूरे लेटर की जितनी कोडिंग की गई है सब में -2 ही चल रहा था। हाँ, कि एम से भी एन ओ पी सब में -2 करने पे हमारा कोडेड रिजल्ट आ रहा था। तो इसी मैनर में हमें CRAV को कोड करना है, तो करते हैं फिर, ठीक है। CRAV, तो C का क्या करना है हमको, -2 करना है। अब C की रैंकिंग कितनी होती है, दैट इज 3, C की रैंकिंग 3 होती है। इसमें से अगर 2 माइनस करते हैं 1, 1 की 1 किस लेटर का रैंक होता है, 1 का, A का, तो C का कोड क्या हो जाएगा, A। सिमिलरली R से हम लोग किस पे जाएंगे, R का जो होता है, ये होता है 18 इसकी रैंकिंग। तो अगर हम लोग इसमें से भी 2 माइनस करते हैं तो 16 आएगा, जो कि P का होता है, ठीक है। अब आते हैं A, अब A के पहले तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे A है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा फिर से नीचे की ओर से जाने लगेंगे, ठीक है, 26, 25 फिर चलने लगेंगे। आ रही बात समझ में, जैसे A की रैंकिंग 1 है, इसमें से 2 माइनस करना है हमें, तो हम लोग नीचे की तरफ से फिर स्टार्ट कर देंगे, 26, 25 किस लेटर की रैंकिंग होती है, वाई की। सो ए का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई, ओके। आफ्टर देन देयर इज वी, वी में से भी अगर 2 माइनस करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, वी की रैंकिंग होती है 23 और टी की होती है 21, ठीक है। सब में -2 करने पे हमारा रिजल्ट आ गया ए पी वाई टी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल ट्रिक था, ये तो थोड़ा सा एलेबोरेट करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा है, बट अगर आप
ड्यूरिंग योर एंट्रेंस, अगर आप इसको बना रहे हो तो कितनी जल्दी हो जाने वाला है अगर आप ट्रिक्स से चलते हो तो। तो क्या आ रहा आंसर? APYT, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना इजी था। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन, देखो कोडिंग डिकोडिंग में भी ना मैक्सिमम क्वेश्चंस का मैं आपको टाइपोलॉजी अगर बताऊं तो ये देखना ध्यान से समझना। आप पहले चीज तो आ जाता है प्लस वन ऐसे चलता रहता है, ठीक है, एंड सो ऑन, आफ्टर देन या फिर माइनस वन, प्लस वन या फिर माइनस वन, इस तरीके से चल रहा होता है, या तो फिर प्लस माइनस टू पे चल रहा होता है क्वेश्चन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। मैक्सिमम इस तरीके से जो जाता है वो जाता है कहाँ तक आपका, प्लस माइनस फाइव या फिर प्लस माइनस सिक्स तक जाता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में कहाँ तक जाता है, प्लस माइनस सिक्स तक। ठीक है, प्लस माइनस सिक्स, इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट ये हो गया एक टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग अपोजिट लेटर से कोडिंग कर देते हैं, लाइक ए का अपोजिट क्या है, दैट इज जेड, हम लोग इससे कर देते हैं कोडिंग। बी का क्या है, दैट इज वाई, डायरेक्टली अपोजिट लेटर्स, ई का क्या है, वी है, इस तरीके से भी कर दिया जाता है। हाँ, डायरेक्टली अपोजिट लेटर से कोडिंग, तो इस केस में क्या हो जाता है कि हमको लेटर्स का अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अब 26 लेटर है तो 26 लेटर्स का अपोजिट कैसे लर्न करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना रखा है जो कि ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, वो टाइप हो गया। और आफ्टर देन अल्फाबेट टू नंबर, तो दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, APYT, इस क्वेश्चन का आंसर APYT आया है, सबको ये चीज क्लियर है, APYT दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो नाउ इफ वी आर मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपको, अरेंज करना है, लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंजमेंट करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख के भी आपको पता चल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल सिक्वेंस। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इसमें होता है क्या है ना कि कुछ वर्ड्स गिवन रहेंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसको अरेंज करो, एक लॉजिकल सिक्वेंस में अरेंज करो, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो कैसे करेंगे, पांचों वर्ड्स जंबल्ड तरीके से गिवन है, ठीक है, बिखरे हुए, इनको आपको एक सही तरीके में अरेंज करना है जो कि मीनिंग दे रहे हो सच में। तो देखो अगर वर्ड्स पढ़ते हैं हम लोग, तो ट्रेवल है, आफ्टर देन डेस्टिनेशन है, देन पेमेंट है, बर्थ और सीट नंबर, देन रिजर्वेशन, आफ्टर देन अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ और सीट, देन फॉर रिजर्वेशन, ये छह वर्ड्स हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अब ऑप्शन आपके पास है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो क्या बोलते हैं उसको, सामने से कोड किया हो, यानी कि सीधे सीधे असेंडिंग ऑर्डर में कोडेड हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लॉजिकल सिक्वेंस बनाया गया हो। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या जरूरत पड़ेगी इन सभी छह चीज़ में से, आप छह वर्ड्स को पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाना है, बर्थ या सीट नंबर की बात हो रही है, ट्रेवल करना है, डेस्टिनेशन है, पेमेंट है और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट है, ये छह वर्ड्स जो कि हमें पता है, इन्हीं को अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, अगर हमें ट्रेवल करना है तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए, दैट इज डेस्टिनेशन, कि हमें ट्रेवल करना तो जाना कहाँ तक है। हाँ, तो डेस्टिनेशन पता होना चाहिए हमें अपना कि कहाँ पे जाना है। हाँ, डेस्टिनेशन आफ्टर देन, अब डेस्टिनेशन पता है तो फिर कैसे ये होगा, अब चाहिए होगा तो कुछ और भी हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें क्या है फिर, बर्थ और सीट नंबर है, रिजर्वेशन है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ या सीट फॉर रिजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन में देख रहा हो कि बर्थ या सीट रिजर्वेशन की बात हो रही है, यानी कि ट्रेन से ट्रेवल की बात हो रही है। तो डेस्टिनेशन के बाद हमें क्या चेक करना होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ या फिर सीट नंबर, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सीट अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है उस डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, सो आफ्टर टू क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सिक्स वाला नंबर का। अब अवेलेबल हो गया अगर, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे, उसको बुक करने के लिए क्या करेंगे, पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसके बाद का सीरीज क्या बनेगा हमारा, 3 2 6 3। पेमेंट के बाद क्या करेंगे हम, कि हमें क्या अलॉट होगा, पेमेंट के बाद क्या हो जाएगा, वो रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज 5, पेमेंट करते रिजर्व हो जाता है सीट, वो हमें फिर क्या होता है कि बर्थ या फिर सीट नंबर अलॉट हो जाता है, सो दैट इज 4। और लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, ट्रेवल, बर्थ या सीट नंबर हमें अलॉट हो जाएगा तो हम लोग फिर ट्रेवल करेंगे। हाँ,
सो वन, ये हमारा क्या बन गया, एक लॉजिकल सीक्वेंस बन गया, 2 6 3 5 4 1। अब ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है आप लोग ये पता कर सकते हैं ऑप्शन देख के। पहला ऑप्शन देखा तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड 2 से, थर्ड 1 से, डी 5 से, तो आई थिंक 2 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हो सकता है दूसरे टाइप का है। यस, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अनदर टाइप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा हुआ आपके लिए मैं, मेजॉरिटी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 के बाद 4 आ रहा है। अच्छा मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप लोग बनाओ पहले, कोशिश करो। आई थिंक सभी लोग लेके बैठे हुए हैं पेन पेपर। हाँ जी, तो 2 के बाद 4 आया है तो इसमें क्या हुआ है, प्लस 2 के, अगर प्लस 2 करते हैं ठीक है, फिर 4 से 12 क्या हो रहा है, प्लस 8 हो जा रहा है। अच्छा 12 से 48, यानी डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है। मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, डिफरेंस, डबल डिफरेंस या फिर मल्टीपल, वो भी नहीं बन रहा होता तो स्क्वायर या फिर क्यूब, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग मिसिंग नंबर में कवर करते हैं। जैसे देख लो आप लोग, वो भी मिसिंग नंबर हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, एक मिनट, मिसिंग नंबर हम लोग कवर करते हैं जो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन बनाने के लिए, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं क्वेश्चन बनाते समय, फर्स्ट चीज है डिफरेंस, ठीक है, आफ्टर देन, डिफरेंस से भी नहीं बन रहा होता है तो डबल डिफरेंस की कोशिश करते हैं, लेकिन डिफरेंस या फिर डबल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग वहीं पे लगाते हैं जहां पे कि डिफरेंस कम आ रहा हो, बहुत ज्यादा आने लगे तो फिर क्या समझ जाना है कि मल्टीपल, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि फिर वो मल्टीपल में चल रहा है, हमें वो चेक करना होता है। अगर मल्टीपल से भी नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन तो क्या करना होता है, स्क्वायर या फिर क्यूब। ठीक है, ये चार टर्म्स हैं जिसको कि आप अगर समझ जाते हो ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिसिंग नंबर के आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका ये जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, ये देखिएगा, 2 है, आफ्टर देन देयर इज 4, 4 के बाद क्या है फिर 12, 12 के बाद फिर क्या आ रहा है पास 48, उसके बाद आ रहा है 240। अब 240 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या चीज़ आएगा। तो आपसे मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस, देन मल्टीपल, उससे भी ना बने तो स्क्वायर या फिर क्यूब, ये चार चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग डिफरेंस पे चले ठीक है, तो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 होता है, 4 और 12 के बीच का 8 होता है डिफरेंस, आफ्टर देन 12 और 48 के बीच का डिफरेंस 36। अब आप लोग देख रहे हो कि 2 और 8 तो समझ में आता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 8 के बाद 36 पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, 8 से डायरेक्ट हम 36 पे जा रहे हैं तो डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, आपके डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना है, आगे नहीं बढ़ना है उससे। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस का नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या था हमारा, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, देखते हैं 2 के बाद 4 आ रहा है इंटू 2 करने पे, 4 के बाद 12 कैसे आ रहा है, 4 3 12 दैट इज इंटू 3 करने पे, 12 के बाद 48 कैसे आ रहा है, दैट इज इंटू 4 करने पे, सिमिलरली 48 के बाद 240 कैसे आ रहा है, ये भी आ रहा है हमारा इंटू 5 करने पे। तो अब देख रहे हो आप कि इंटू 2 हो रहा है, देन मल्टीप्लाई बाई 3, देन मल्टीप्लाई बाई 4, देन मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, तो आगे जो होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाई 6। तो अगर 240 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 720। मैक्सिमम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है इस केस में, 720। विच ऑप्शन इज 720, ऑप्शन नंबर ए, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या चीज हम लोगों को कंसिडर करना है वो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो हियर कम्स क्वेश्चन फ्रॉम अ डिफरेंट टॉपिक, एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन आया है। अ मैन वॉक्ड 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, देन
He turned right and walked 45 meter. देखो एक आपको सजेशन देना चाहता हूं मैं कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, पहले ये बताओ। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, दिशा ज्ञान, ठीक है, डायरेक्शन सेंस। अब इसमें क्या करना होता है कि डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन जब भी आए तो एटलीस्ट आप लोग क्वेश्चन को दो बार पढ़ो। कितनी बार? दो बार। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आना है तो हमको कितनी बार पढ़ना है? एटलीस्ट दो बार पढ़ना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। तो देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, देखो डायरेक्शन सेंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रिक्वेंट लेफ्ट और फ्रिक्वेंट राइट टर्न्स दिया होता है। तुरंत बोलेगा कि राइट टर्न, अगेन राइट टर्न, अगेन राइट टर्न, देन लेफ्ट टर्न, फ्रिक्वेंटली बोला रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्वेश्चन को दो बार पढ़ें कम से कम। ओके, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 मीटर। देख रहे हो यहां भी राइट टर्न था, देन अगेन राइट टर्न हुआ है, आफ्टर देन क्या हुआ है? Then he turns left and walks 5 meter. Finally he turns left and walks 15 meter. और सबसे आखिर में वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 15 मीटर चल रहा है। अब आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको क्या बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों चीज आपको बताना है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है या फिर किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बताना होता है, बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन भी बताना है और डिस्टेंस भी बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए डायग्राम का यूज करते हैं। क्या क्या डायग्राम, कैसे डायग्राम बनाते हैं? सो टॉप मोस्ट पे क्या होता है? नॉर्थ होता है और बॉटम पे साउथ होता है। इधर ईस्ट हो जाता है आपका और लेफ्ट में वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अ मैन वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी है जो कि 30 मीटर चल रहा है नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 45 मीटर। फिर क्या कर रहा है, यहां से राइट टर्न ले रहा है और 45 मीटर जा रहा है। ओके, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 मीटर। यहां से फिर देखो, अगर मेरे को देखना आप लोग, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं और राइट टर्न लेना है मुझे, तो मैं इधर को घूमूंगा ना, इस तरह से टर्न हो जाऊंगा। तो उसी तरीके से अगर ये चल रहा है इधर, इसको राइट टर्न लेना है, तो किधर को जाएगा ये? इस तरफ घूम जाएगा। और कितनी दूर जा रहा है ये? टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 मीटर, 45 मीटर। Then he turns left and walks 5 meter. इसके बाद क्या कर रहा है कि 5 meter left की तरफ टर्न हो रहा है। सपोज करो अगर मैं इस तरफ से चल रहा हूं और मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो मुझे इधर घूमना पड़ेगा। तो ये भी अगर इधर चल रहा है तो किधर टर्न होगा? लेफ्ट, यानी कि इस तरफ टर्न होगा। और कितनी दूर जा रहा है लेफ्ट टर्न होके? 5 meter। कितनी दूर जा रहा है? 5 meter, ठीक है, यहां तक हो गया। After then, finally he turns left and walks 15 meter. Finally turn हो रहा है वो left की तरफ, यानी अगर इधर को चल रहा है left turn हो जाएगा तो इधर को हो जाएगा। So this is left and 15 meter. अब आपको क्या करना है कि in which direction, किस direction में है और how many meters? तो कैसे बताएंगे? Starting point कहाँ पे था उसका? जो उसका starting point था वो यहाँ पे था। ये उसका इनिशियल पॉइंट है जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब अगर यहां से हम यहां तक का डिस्टेंस देखें तो कितना आ जा रहा है? दैट इज 30 मीटर आपका 45 मीटर यहां से यहां तक है, ये 5 मीटर है। अगर ये इतना 5 मीटर है तो ऊपर का भी क्या होगा? ये भी 5 मीटर होगा। तो यहां से लेके अब यहां तक क्या हो गया? सिर्फ यहां से यहां तक 45 है। आफ्टर देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 मीटर है। तो दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जा रहा है? 45 प्लस 5 टोटल कितना आ जा रहा है आपके पास? और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज 45 प्लस 50 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा है उसका? इनिशियल डायरेक्शन देखो अगर आप लोग, तो नॉर्थ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था वो नॉर्थ में चला था। अब ये कहां जाके रुका है? इस डायरेक्शन में रुका हुआ है या इस पॉइंट पे रुका हुआ है। और ये पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? ये ईस्ट का रीजन है।
तो वो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर, 50 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। देखो 50 मीटर वाले दो ऑप्शन है आपके पास, ऊपर के दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि 50 मीटर डिस्टेंस नहीं है इन दोनों ऑप्शन के पास। 50 मीटर वाले दो ऑप्शन है और उसमें भी अब डायरेक्शन आपको बता देना है, दैट इज ईस्ट। ईस्ट वाला ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, डायरेक्शन के कैसे क्वेश्चन बनाने हैं हमको। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अदर क्वेश्चन और देखेंगे फिर कि उसमें कौन सा टॉपिक है। सो विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन सीरीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देखो एक टफ क्वेश्चन था तो एक सिंपल क्वेश्चन रखा हूँ आपके लिए कि आपको थोड़ा सा मजा आ जाए। अब देखो फिर आप लोग बोर ना हो टफ क्वेश्चंस करते करते। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने लोग का आंसर आ चुका है? अरे गजब। तो 56 से 28 कैसे हुआ है? बहुत ही सिंपल है, क्या चीज़ लगा है यहाँ पे? डिफरेंस तो नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ही आगे आने पर डिफरेंस ज़्यादा होता जा रहा है। हाँ तो 56 और 28 में क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाई टू, टू का डिवीजन हो रहा है। 28 से 14 में भी क्या हो रहा है? टू का डिवीजन हो रहा है, तब तो 14 आ रहा है। 28 में टू से डिवाइड देने पे ही तो 14 आ रहा है। 56 में भी टू से डिवाइड दे रहे हैं तो 28 आ रहा है। देखो कुछ सेकंड का क्वेश्चन था ये तो 14 के बाद फिर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई टू, इसमें हमको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। तो 14 में टू से डिवाइड किए तो 7, दैट इज द राइट आंसर। सो विच ऑप्शन इज 7? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7 विल बी द राइट आंसर। देखो ये तो कुछ सेकेंड के अंदर क्वेश्चन हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। हाँ ओके, फाइंड द ऑड वन आउट, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अब कि विषम पद ऑड नंबर्स ऑड लेटर्स को हमको ऑड वर्ड को चूज करना है। कौन सा ऐसा टर्म है जो कि ऑड है, विषम पद को चुनिए। और हाँ एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जो भी क्वेश्चन होगा एंट्रेंस में ना वो डुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश से बट आप लोग को परेशान नहीं हो रहा है, हिंदी में भी वहाँ पे सारी चीज़ें गिवन रहेंगी स्लैश करके। ठीक है तो आप परेशान ना होइए, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगा आप उससे कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। देख रहे हो यहाँ पे आप फीट है, देन ग्राम है, देन मीटर, देन यार्ड, इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ऑड है। तो फीट किसके लिए यूज करते हैं हम, फॉर व्हाट पर्पज डू वी यूज फीट? टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। ये सारे ही जितने वर्ड्स गिवन हैं ये किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए ही यूज होते हैं। ग्राम किसके लिए यूज करते हैं? टू मेजर वेट, टू मेजर वेट। आफ्टर देन मीटर, मीटर किसके लिए यूज करते हैं? उसको भी लेंथ को मेजर करने के लिए, टू मेजर लेंथ। आफ्टर देन द लास्ट वन इज यार्ड, यार्ड का यूज भी किसके लिए करते हैं? टू मेजर लेंथ। अब देख रहे हो यहां पे कि तीन चीजों को हम यूज कर रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए और सिर्फ एक ऐसा है जो कि वेट को मेजर करने के लिए यूज होता है। सो ऑड कौन सा हो गया? दैट इज ग्राम। ग्राम क्या हो गया? ऑड हो गया। देखो यहां भी क्या आ गया, वोकैबुलरी, कि आपकी शब्दावली कितनी अच्छी है, कितने शब्दों का ज्ञान है आपको। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एंट्रेंस। तो जितने वर्ड्स आप सीख सकते हो उतना वर्ड सीखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड सीखिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, बट सीखिए जरूर। ठीक है, आफ्टर देन इफ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन देयर इज अनदर क्वेश्चन। सो अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो और बताओ किस टॉपिक का है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि करण इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, टॉम और करण दो लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो नहीं देख के हमें क्या लग रहा है, ईस्ट में है उसके, कोई वेस्ट में है, कोई साइड में है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक की व्यवस्था का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। सो करण इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन नॉर्थ ऑफ रोहन, नितेश इज इन द साउथ ऑफ रोहन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ करण इज नितेश। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हिंदी में समझना चाहते हैं,
वहाँ पे आपके पास एंट्रेंस में वो हिंदी में भी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, बट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझते चलना है कि बनाना कैसे है क्वेश्चन, ठीक है। देखो फिर क्या बोला जा रहा है कि करण इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, करण जो है, अब ईस्ट वेस्ट साउथ कैसे बनाएंगे हम लोग, नॉर्थ सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे नीचे क्या हो जाएगा साउथ, राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। आफ्टर देन अब देखते हैं, करण इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम, जो करण है ये टॉम के ईस्ट में है, टॉम कहीं यहां पे है, इसके ईस्ट में करण है, ओके। आफ्टर देन क्या है, एंड टॉम इज इन नॉर्थ ऑफ रोहन, जो टॉम है ये रोहन के नॉर्थ में है, टॉम इज इन नॉर्थ ऑफ रोहन, रोहन के नॉर्थ में कौन है, टॉम है, ठीक है। नितेश इज इन द साउथ ऑफ रोहन, जो नितेश है वो रोहन के साउथ में है, साउथ कहां चला जाएगा बॉटम की तरफ, ठीक है। सो नितेश जो है वो रोहन के साउथ में है। आफ्टर देन देन इन विच डायरेक्शन ऑफ करण इज नितेश, अब करण से किस डायरेक्शन में नितेश है, अब यहां पे क्वेश्चन समझना, ये नहीं पूछा गया है कि देन इन विच डायरेक्शन नितेश इज करण, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। अगर आपसे पूछता कि नितेश से करण किस दिशा में है तो उसका आंसर दूसरा होता, और आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ करण इज नितेश, करण से किस दिशा में नितेश है, अब यहाँ पे करण को हमको इनिशियल पॉइंट रखना है और फिर बताना है कि नितेश किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हमारा जो ये डायग्राम है ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे नॉर्थ, करण को हमको इनिशियल पॉइंट लेना है अब, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ईस्ट ऑलरेडी है, वेस्ट को इधर रखेंगे और साउथ नीचे। अब जो नितेश है, करण हमारा मिडिल में हो गया, ठीक है, तो नितेश किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो नितेश करण से किस डायरेक्शन में हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए दैट इज साउथ वेस्ट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके।